जहीर, आप इस तरह से क्यों बैठे हुए हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? हटो यहाँ से। ठीक है तबीयत मेरी, कुछ नहीं हुआ मुझे। इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं मुझसे? मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा क्या कसूर है ये तुम पूछ रही हो? अच्छा, अगर आप मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं, इस कसूर में आपका भी हिस्सा है। सही कहा तुमने, मैं हिस्सेदार हूं, लेकिन इस हद तक कि मैंने एक बेटी पर, बल्कि उससे बढ़कर एक माँ पे भरोसा किया, एतबार किया। अरे ये तक नहीं पूछा कि कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, कौन साथ है, कब आओगे। हालांकि ये सब कुछ मुझे पूछना चाहिए था, एक बाप होने के नाते मेरा फर्ज था ये सब। लेकिन मैं तो गलत फहमी में रहा कि तुम एक बाखबर, जिम्मेदार और औलाद पे निगाह रखने वाली माँ। ठीक नहीं कर रहे, मुझे जिम्मेदार ठहरा कर आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो क्या करूं, कहां जाऊं, किससे बात करूं? अगर कारोबार में घाटा होता है ना तो नुकसान पूरा करने के 100 तरीके होते हैं, लेकिन यहां तो इज्जत दांव पे लगी हुई है। मैं कह रही हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, आप फिक्र ना करें। हटो यहां से पीछे, सब कुछ हो गया कह रही, फिक्र ना करें।